अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को कुंदन का रिंग बनाना बता रही हूँ। इसके लिए आपको जो सामान चाहिए होगा उसमें ये कुंदन का रिंग, प्लास्टिक मटेरियल है ये, इसके अलावा पर्ल के मोती, ये आप एक या दो कलर में ले सकते हैं, नॉर्मल सिलाई का धागा। इसके साथ हमें मोती के काम के लिए बारीक सुई चाहिए होगी और सीजर। नॉर्मल सिलाई का धागा सुई में डालने के बाद इसको डबल करके नॉट लगा लेंगे। ये रिंग लेंगे, एक हम पर्ल का मोती लेंगे। मोती लेने के बाद रिंग में अंदर से बाहर सुई को गुजारते हुए इसका होल ये बंद कर देंगे हाथ से। इस मोती में नीचे से ऊपर की तरफ सुई को गुजारेंगे ताकि यहाँ पर एक फंदा सा बन जाए, इस तरीके से। अब हम दो मोती लेंगे, रिंग में अंदर से बाहर सुई को निकालेंगे, साइड का ये जो नीचे वाला मोती है इसमें नीचे से ऊपर की तरफ सुई को गुजारना है। पूरा रिंग हम ऐसे ही बनाएंगे, इसी तरीके से हर बार इसमें दो दो मोती लेंगे। रिंग में अंदर से बाहर सुई को गुजारते ही इसके सुराख को बंद कर देना है हाथ से, ताकि मोती अंदर की तरफ टर्न ना हो बल्कि यहाँ ऊपर कॉर्नर की तरफ ही ये रहे। साइड के नीचे वाले मोती में नीचे से ऊपर सुई को गुजारते जाएंगे। सबसे आखिर में इसमें एक मोती लेंगे, वो मोती जो हमने सबसे पहले लिया था, यानी ये वाला जिसके ऊपर नॉट नज़र आ रही है। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ सुई को गुजारेंगे। इसके बाद रिंग में धागे को इस तरह पक्का करेंगे, एक से दो बार बंद देंगे। करीब करीब जो भी मोती हो उनमें से गुजारते हुए आगे की तरफ धागे को लेके जाएंगे और धागे को कट कर देंगे। इसको अगर हमें अरेंज करना हो तो इसको अरेंज किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए होगा छोटे साइज का शीशा। साइज इतना लीजिएगा जो इस रिंग के अंदर आ जाए। शीशे को पहले हम कपड़े पर ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। ग्लू इसके ऊपर बहुत कम लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, जहाँ आप इसको लगाना चाहे वहाँ पर इसको इस तरीके से चिपका देंगे। ये जो हमारा रिंग है इसको उसके ऊपर आप डायरी रख के लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको पहले हल्का सा इसको चिपका सकते हैं ताकि ये टाँकने में आसानी रहे इसको। बाहर की मोतियों के पास कपड़े में से सुई को निकालेंगे। ये जो मोती है से सुई को गुजारेंगे।
गुजारने के बाद कपड़े में सुई को लेके जाएंगे। थोड़ा सा कपड़ा लेकर सुई को वापस बाहर निकालेंगे। अब इधर वाले मोती से सुई को इसी तरीके से बाहर के तमाम जो मोती हैं उनको हम कपड़े के साथ टांग देंगे। ये पूरा राउंड बाहर वाले मोतियों का टांगने के बाद अब अंदर की तरफ सुई को निकालेंगे कपड़े में से बाहर। यहाँ पर रिंग के पास एक स्टिच लेंगे। इसी तरीके से थोड़े थोड़े फासले पे स्टिच लेंगे ताकि जो हमारा मिरर है वो बिल्कुल यहाँ पे फिक्स हो जाए।